नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का DSR जोन में। मित्रों, कोई भी स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, मित्रों अगर उन दोनों के बीच संबंध खराब चल रहे हैं, यहाँ तक कि बातचीत भी बंद है, नाराजगी है, रूठ गए हैं, मुंह फेर लिया है, मित्रों बहुत ही सरल एक ऐसा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे आप कर लें। जो कोई भी वो है जिसके लिए आप इसे करेंगे, 4 दिन में तड़पता हुआ आपके पास आएगा। मित्रों बहुत शक्तिशाली उपाय है, जिस किसी ने इसे किया है लाभ प्राप्त किया है। आप भी इसे करेंगे, 100% आपका प्यार आपके पास होगा। क्या करना है आपने? सप्ताह में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकती हैं। एक स्थान पर आप एक नींबू लेकर बैठें और दिशा अपनी बैठने की रखें पूर्व की, ईस्ट की ओर मुख करके बैठें, जिस ओर से सूर्य उदय होता है। अब आपने मित्रों क्या करना है, उस नींबू के 4 दाने निकाल लेने हैं। 4 दाने निकालने, नींबू को एक तरफ रख दें। आपने केवल नींबू के अंदर के जो दाने, जो बीज होते हैं, वो निकालने हैं और अपने पास रख लें। सभी दानों को मित्रों अपने चारों ओर एक एक दाना रख लें, आगे पीछे दाएं बाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ जोड़कर आंख बंद करके उस इंसान को, जिसको भी आप चाहते हैं, अपने पास लाना चाहते हैं, जिससे आपकी बातचीत बंद है, नाराज है, उसे याद करते हुए, ध्यान में लाते हुए आपने एक छोटा सा बीज मंत्र बोलना है। कोई लंबा मंत्र इसमें मित्रों नहीं है, छोटा सा बीज मंत्र है, वो आपने बोलना है 21 बार। हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक बोलें और मन ही मन में गिनते जाएं और उस इंसान को याद रखें। मित्रों आपने बोलना है क्लीन श्रीयंग। क्लीन श्रीयंग का जाप आपने 21 बार कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, चारों ओर जो आपके दाने रखे हैं मित्रों, एक एक दाना उठाते जाएं और अपने बाएं हाथ में यानी उल्टे हाथ में रखते जाएं। हर दाने को उठाते वक्त उस इंसान का नाम लें जिससे आप प्रेम करते हैं, उसका नाम लेकर अपने बाएं हाथ में उसे रख लें। एक एक करके चारों दिशाओं के दाने आप उठाएं, पहले सामने का, फिर बाईं ओर का, फिर दाईं ओर का और फिर पीछे का दाना उठाएं। उसके बाद उस स्थान से आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद मित्रों आपने जो घर में आपका चूल्हा है, गैस हो, स्टोव हो, चूल्हा जिस प्रकार का भी आपका है, उसे आप जलाएं। घर में रखा तवा उसके ऊपर रखें, सीधा तवा रखें और तवा रखने के बाद वो 4 दाने उसमें डाल दें और 60 सेकंड से अधिक उनको उसी में रहने दें। जब 60 सेकंड पूरे हो जाएं मित्रों, गैस चूल्हा जो भी है उसे बंद कर दें। दानों को सुरक्षा के साथ बाहर निकाल लें, किसी पात्र पर, कटोरी आदि पर, ठंडा होने दें। जब ठंडे हो जाएं मित्रों, उन सारे दानों को अपने दाहिने हाथ में, ध्यान रहे मित्र, अपने सीधे हाथ में मुट्ठी में बंद कर लें और बंद करने के बाद उस इंसान को याद करते हुए जिसके लिए आपने ये उपाय किया है, उसको याद करते हुए अपने ऊपर इसे 7 बार वार लें। क्लॉकवाइज जिस प्रकार से घड़ी घूमती है, अपने ऊपर सीधे हाथ से 7 बार वार लें। उसके बाद निकलें घर से बाहर। घर से बाहर निकलने के बाद मित्रों आपने क्या करना है, घर के दरवाजे से लगभग 10 कदम दूर जाएं, बिल्कुल सामने की ओर। अगर सामने आपके घर की जगह ना हो तो आप छत पर चले जाएं और घर के सामने की ही ओर आप इन्हें ऊपर से उछाल दें, और अगर आप सामने जा सकते हैं तो आप वहाँ पर इन्हें बिखेरें। ये मित्रों इतना कार्य जैसे ही आप कर लेंगे, उसके बाद आप आएँ वापस अपने घर, किसी से कोई बातचीत ना करते हुए। घर आने के बाद मित्रों आपने हाथ पैर अपने एक बार अच्छे से धो लेने हैं। क्रिया प्रारंभ करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त अवश्य हो जाएं मित्रों। किसी भी समय, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। यदि बताई गई विधि को आपने बताए गए तरीके से मित्रों कर लिया, तो आपका वो प्यार, आपका वो प्रेम, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, किसी के बीच में कोई भी अनबन चल रही हो मित्रों, बिल्कुल सुधर जाएगी और वो इंसान जो नाराज हो गया है वो आपसे खुद बात करेगा। घर में हो, बाहर हो, जहाँ भी हो मित्रों, वो आपके पास खुद बात करने आएगा और इस परेशानी को ख़त्म करेगा। अब दें आज्ञा मित्रों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, खुश रहें। नमस्कार।